हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैमबोर्ड। मैं दीपेन कुमार हाजिर हूँ आपके सामने एक बार फिर से अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल कैमबोर्ड में। हमने न्यूमेरिकल सीरीज स्टार्ट करी है, जिनमें से हमने दो लेक्चर वीडियो न्यूमेरिकल्स के करा चुके हैं। आज हमारा ये तीसरा न्यूमेरिकल का वीडियो है, जिसमें जो न्यूमेरिकल है वो कह रहा है व्हेन 2.76 ग्राम ऑफ ग्लिसरीन 2.76 ऑफ ग्लिसरीन इज डिजॉल्वड इन 200 ग्राम ऑफ वाटर देन द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देन द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर गिवन है आपको 0.279 डिग्री सेल्सियस एंड क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर दैट मीन्स केएफ की बात कर रहा है वो दिया गया कितना 1.86। कैलकुलेट करना है मोलर मास ऑफ ग्लिसरीन। ग्लिसरीन डिजॉल्व किया है वाटर में, ग्लिसरीन डिजॉल्व किया है वाटर में, तो ग्लिसरीन क्या हो गया आपका, ग्लिसरीन क्या हो गया, अगर यहाँ पे बात करें ग्लिसरीन की तो वो क्या हो गया, वो हो गया सॉल्यूट। और वाटर क्या है आपका, वाटर है आपका क्या, सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्वेंट को ए से डिनोट करते हैं और सॉल्यूट को बी से डिनोट करते हैं। अब हमें फ्रीजिंग पॉइंट देखना है वाटर का जो दिया गया है, और उसके रिस्पेक्ट में हमें मोलर मास कैलकुलेट करना है। जो फॉर्मूला होता है वो डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल होता है किसके, के एफ इंटू मोलैलिटी के, के एफ इंटू मोलैलिटी के। और मोलैलिटी जब यहाँ मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखेंगे तो मोलैलिटी का जो फॉर्मूला होता है, जैसे हम लास्ट लेक्चर्स में भी बात कर चुके हैं, वो क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट। ठीक है, सेम प्रोसीजर यहाँ पे फिट कर देंगे एम की वैल्यू को, तो हो जाएगा के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए। अब हमें गिवन क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो जो गिवन है आपको, सबसे पहले आपको दिया गया है वाटर का क्या, ग्लिसरीन का वेट दिया गया है कितना है 2.76। तो डब्ल्यू बी ग्लिसरीन क्या है, सॉल्यूट है, तो बी तो वेट ऑफ सॉल्यूट या फिर वेट ऑफ ग्लिसरीन कितना है 2.76 ग्राम है। अगर हम वेट वाटर का देखें तो कितना है 200 ग्राम। ठीक है, 200 ग्राम। और देखो ये फ्रीजिंग पॉइंट दिया गया है वाटर का, दैट मीन्स डेल्टा टी एफ दिया गया है कितना 0.279 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद दिया गया है के एफ की वैल्यू, तो के एफ इक्वल दिया गया है 1.86। क्या करना है, यहाँ से एम बी निकालना है, हमें एम बी की वैल्यू पता नहीं है, एम बी पूछा उसने, तो यहाँ से फॉर्मूला निकल आएगा एम बी इक्वल के एफ डब्ल्यू बी इन 2000 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा टी एफ इन टू डब्ल्यू ए। सिंपल है, बस वैल्यूज पुट कर देनी है। तो के एफ की वैल्यू कितनी है, के एफ की वैल्यू है 1.86। ठीक है, डब्ल्यू बी की वैल्यू कितनी है, डब्ल्यू बी है 2.76, पुट कर दो इन टू क्या करना है आपको, 1000 करना है, डिवाइड कर दो डेल्टा टी एफ की वैल्यू 0.279 डिग्री सेल्सियस, और साथ में हमें रखनी है इसकी डब्ल्यू ए की वैल्यू, तो वो है कितना 200। ओके, बस इसको सॉल्व कर लेना है। तो अगर जीरो से जीरो काटना चाहो काट दो, 2, 5, 10 हो गया। अब यहाँ पे हम सीधे डेसिमल हटा देते हैं, 186276 बचा क्या, दो यहाँ से आया 10 की पावर -4 और इंटू में क्या है 5 डिवाइडेड बाय 279 इंटू में क्या है 10 की पावर -3। यही है, वेरी गुड। अब इसको ऊपर ले जाते हैं, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना आएगा, या फिर यहाँ इसको डिवाइड नहीं करो, यहाँ इसको डिवाइड नहीं करो, यहाँ 2 ही रहने दो और यहाँ 10 ही रहने दो, तो ये यहाँ पे क्या होगा, एक 10 की पावर 1 आ जाएगा और यहाँ इंटू में 2 आ जाएगा ये वाला। अब क्या करेंगे, जब इसको रखेंगे 186 इंटू 276 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 279, तो ऊपर क्या बचेगा 10 की पावर 3 ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 10 पावर -4 रहेगा और 10 पावर 1 में प्लस का 3 ऐड हो जाएगा, तो 10 पावर 4 हो जाएगा, तो ये पावर क्रॉस हो जाएगी। और जब इसका आप सॉल्यूशन करोगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी आपकी कितनी, 92। कितनी आएगी, 92। तो जो मोलर मास निकल के आया किसका, ग्लिसरीन का, वो कितना है, 92 है। बहुत ईजी है, बस आपको देखना है कि आपको वैल्यू क्या क्या गिवन है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, आपको सीधे सीधे फॉर्मूला लिख देना है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है ये वाला, तो आपको यहाँ तक आना पड़ेगा, अगर ये वाला याद है फॉर्मूला तो डायरेक्ट आप इसको अप्लाई करके वैल्यू पुट करके रख सकते हो। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है एन एक्वस सॉल्यूशन फ्रीजेस एट -0.385 डिग्री सेल्सियस, डिटरमाइन द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। गिवन है आपको Kf और Kv की वैल्यू आपको गिवन है, आपसे पूछा क्या है, आपसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पूछा, दैट मींस आपसे क्वेश्चन है डेल्टा Tv फाइंड करना है। ठीक है, आपको दिया क्या है, यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, एक एक्वस सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन उसका फ्रीजिंग पॉइंट दिया गया है कितना 0.385 दिया गया है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे अगर देखें तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना है उसका, Tf कितना दिया गया है, माइनस का 0.385 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है आपको, गिवन है। आपसे पूछ क्या रहा है डेल्टा टीवी, तो अगर हम डेल्टा टीवी का फॉर्मूला देखें तो डेल्टा टीवी का फॉर्मूला होता है क्या, Kb इंटू मोलैलिटी। तो Kb की वैल्यू तो पता है, मोलैलिटी आपको पता नहीं है, तो मोलैलिटी पता करने के लिए पूरा फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करें तो यहाँ पे उतनी ज्यादा कोई भी हमें डेटा गिवन नहीं है, डेटा में केवल आपको फ्रीजिंग पॉइंट पता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट और मोलैरिटी के रिस्पेक्ट में एक फॉर्मूला होता है डेल्टा Tf, ये क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो अगर हमें डेल्टा Tf पता चल जाए तो डेल्टा Tf का फॉर्मूला Kf इंटू एम, Kf तो पता है, Tf अगर पता चल जाए तो हम मोलैलिटी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास एक फार्मूला ये हो गया, एक फार्मूला ये हो गया, और एक फार्मूला होगा जिसमें आपको डेल्टा Tf पता चलेगा, और वो क्या होगा, Tf नॉट माइनस Tf होगा सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट और सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। भाई कोई एक्वस सॉल्यूशन है, जब एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर में ही आएगा, और जब वाटर में आएगा तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, माइनस किया हुआ है कितना, माइनस ये दिया गया है 0.385 डिग्री सेल्सियस, जब इसको ओवरऑल माइनस किया तो प्लस का क्या आ गया 0.385 डिग्री सेल्सियस, एक्स की वैल्यू आ गई, डेल्टा Tf की वैल्यू आ गई। अब जब डेल्टा Tf की वैल्यू आ गई तो हम यहाँ से मोलैलिटी निकालेंगे, तो मोलैलिटी इक्वल क्या हो जाएगा, डेल्टा Tf डिवाइडेड बाय Kf, तो डेल्टा Tf डिवाइडेड बाय Kf, तो डेल्टा Tf कितना है 0.385 और Kf कितना है, Kf है 3.85। ठीक है, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा क्या, देखो यहाँ पे 2 डेसिमल है, यहाँ पे 3 डेसिमल है, अगर इसको काट भी दें तो क्या आएगा, 1 डेसिमल रह जाएगा। तो 0.1 क्या आ गई, मोलैलिटी आ गई, और सिंपल क्या करना है, इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देना है Kb की वैल्यू 0.712 और मोलैलिटी कितनी है 0.1। अब जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 712 सेम आ जाएगा, 1 डेसिमल और बढ़ जाएगा तो आएगा 0.0712 डिग्री सेल्सियस। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये डेल्टा टीबी की वैल्यू आ गई 0.07, ये वैल्यू डेल्टा टीबी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक दूसरे से रिलेट करा के पूछ लेगा, क्वेश्चन पुटअप कर देगा कि अगर आपको यहाँ पे वैल्यू दे दी गई किसी फ्रीजिंग पॉइंट की और आपसे बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है, तो पहले आपको इधर देखना पड़ेगा कि आप क्या क्या कर सकते हो। तो दोनों का रिस्पेक्टिव फार्मूला देख लिया कि यहाँ पे मोलैलिटी कॉमन है, अगर हम यहाँ से मोलैलिटी निकाल लें तो मोलैलिटी की वैल्यू यहाँ पुट करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन एट 27 डिग्री सेल्सियस। पूछा क्या है आपसे, ऑस्मोटिक प्रेशर दैट मींस पाइप ऊंची है, 5% ग्लूकोज का सॉल्यूशन है और टेम्परेचर दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई इक्वल एम, एम फॉर मोलैरिटी, आर कॉन्स्टेंट एंड टी। तो पाई इक्वल क्या होता है, एम आर टी होता है, और यहाँ पे मोलैरिटी का अगर मैं देखूँ तो मोलैरिटी के रिस्पेक्ट में जो फॉर्मूला डिराइव होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर इन सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स आएंगे किसके, सॉल्यूट के, और यहाँ पे क्या आएगा, मोलर मास आएगा सॉल्यूट का, इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स में, तो यहाँ ऐसा नंबर ऑफ मोल्स इन लीटर। ठीक है, अगर हम नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लिखें तो क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास वी लीटर में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे वॉल्यूम अगर ml में ले लेंगे तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1000 आ जाएगा, और यही फॉर्मूला हमें m की वैल्यू क्या करनी है, यहाँ पे पुट करनी है, तो फॉर्मूला निकल के आएगा पाई इक्वल डब्ल्यू बी
इंटू थाउजेंड डिवाइडेड बाय एम बी इंटू वी, किसका सॉल्यूशन का, किसमें एम एल में, और यहाँ पे ऊपर इंटू किसका आ जाएगा, इंटू आ जाएगा यहाँ पे आर का और टी का। अब आपको वैल्यू गिवन क्या क्या है, आपको आर की वैल्यू गिवन है, टी की वैल्यू देखें तो टी क्या है यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस है, जिसको हम केल्विन में चेंज कर लेंगे 273 ऐड करके, तो ये हो जाएगा कितना 300 केल्विन एब्सोल्यूट टेम्परेचर में रखते हैं वैल्यू। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि आपका सॉल्यूशन में वेट वेट कितना है। तो अगर हम देखें कि सॉल्यूशन किसका है, ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, और जब सॉल्यूशन है तो दूसरा कोई भी चीज होगी, और जब दूसरी चीज होगी तो वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, और सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम देखें तो 5% है क्या ग्लूकोज, 5% क्या है ग्लूकोज, तो जैसे हमने पिछले न्यूमेरिकल में भी किया था, अगर 100 ग्राम का कोई सॉल्यूशन है तो उसमें 5 ग्राम क्या है आपका ग्लूकोज है, और ग्लूकोज का मोलर मास कितना है 180 गिवन है आपको क्वेश्चन में। तो ये क्या आ गया डब्ल्यू बी, और ये क्या आ गया एम बी, तो डब्ल्यू बी की जगह आप रख सकते हो यहाँ पे क्या 5 इंटू हो जाएगा 1000 और डिवाइड हो जाएगा 180, और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम कितना है 5% सॉल्यूशन है ग्लूकोज का, तो 100 ml क्या है यहाँ पे हमने ले लिया 100 ml का सोल्यूशन, जिसमें से 5 ग्राम ग्लूकोज ऐड किया गया है, क्योंकि ग्लूकोज क्या है सॉलिड स्टेट में आएगा और उसको ग्राम में मेजर करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 ml आ जाएगा, ठीक है। इंटू क्या है आर की वैल्यू 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना है 300। अब इसका हमें करना है क्या सोल्यूशन, तो हम क्या, हमें क्या मिल जाएगा, हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो ओके करते हैं, देखो ये दो जीरो से ये दो जीरो खत्म कर दो, इस जीरो से इस जीरो को खत्म कर दो, हमारा बचा क्या 5 × 100 इंटू 0.0821 डिवाइडेड बाय 18। आप क्या करो 5 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 10 की पावर 2, रुको इसको भी ले आओ, यहाँ से चार पावर हटा देंगे, चार मतलब चार पॉइंट हटा देंगे, तो यहाँ बचेगा 821 इंटू हो जाएगा 10 की पावर -4 इंटू हो जाएगा 10 की पावर 2। तो अब जब इसका सोल्यूशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 × 5 = 10 × 5 = 40 डिवाइडेड बाई 18 इंटू क्या बचेगा 10 पावर -2, -4 में +2 जाएंगे तो -2 आएगा, और जब इसका सोल्यूशन करेंगे इसका डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू पहुंचेगी जाके 684.16 × 10 की पावर -2, और इसको भी आगे हम सॉल्व कर सकते हैं, तो ये वैल्यू पहुंच जाएगी, अगर ये डेसिमल को आगे बढ़ाएं तो ये पावर हट जाएगी, तो बचेगा 6.84, कितना बचेगा 6.84 एटीएम। तो ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, ये वैल्यू आ गई पाई की। तो होना क्या है, आपको बस देखना है कि आपको गिवन क्या क्या है, आपको फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, जो वैल्यू पूछे उसका फॉर्मूला तुरंत पुट कर दो। पूछा है ऑस्मोटिक प्रेशर पाइप को MRT लिख दिया, ठीक है, यहाँ 100 ml ले सकते हैं या 1 लीटर ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, 1 लीटर लेंगे ये 1000 मेंशन नहीं कर, ठीक है। फॉर्मूला मोलैरिटी निकाल लेंगे, अलग से भी निकाल सकते हैं, पहले अलग से निकाल लो उसके बाद पुट कर दो, या फिर डायरेक्ट एक बार में रख दो। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। हाँ, तो नेक्स्ट सवाल कह रहा है व्हेन 1 ग्राम ऑफ NaCl इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर देन द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज 0.64 केल्विन, कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ NaCl, Kf गिवन है आपको 1.85, ठीक है। तो आपको दिया क्या क्या गया है, आपको सॉल्यूट का वेट पता है, सॉल्वेंट का वेट पता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कह रहा है वो भी दिया गया है। अब हमें से पूछा क्या है, पूछ रहा है कैलकुलेट करो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कैलकुलेट करो, कैसे कैलकुलेट करोगे। तो उसके लिए सबसे पहले देखना है हमें डिसोसिएशन के रिस्पेक्ट में कैसे डिसोसिएशन होगा। तो NaCl जो होता है वो डिसोसिएट होता है किसमें, Na+ आयन में और Cl- आयन में। तो जब मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, अगर जिसने नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे ऊपर साइड में आई बटन है वहां पे लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके देख लेना, कि जब हमने यहाँ पे इनिशियल कंडीशन में देखा था, जब हमारा स्टार्ट हुआ था, ये कहें कि टी बराबर जीरो था, मीन्स हमने
रिएक्शन स्टार्ट नहीं करी थी, तो इसके अल्फा थे और इसके जीरो जीरो क्या मोल्स थे। लेकिन जैसे ही टाइम स्टार्ट हुआ, कुछ कंडीशन बनी, तो जैसे टाइम टी स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसका अल्फा बन गया, इसका अल्फा बन गया, और यहाँ से क्या हो गया, इसमें यहाँ से माइनस हो गया क्या। अगर हम इसको कहें कि ये वन है, 100% ले लिया कि वन है, तो इसमें क्या हो जाएगा, वन माइनस अल्फा माइनस हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम क्या निकालते थे, यहाँ से हम आई की वैल्यू निकालते थे। आई क्या होता था, जितने पार्टिकल डिसोसिएट हुए या एसोसिएट हुए, हम डिसोसिएशन का केस देख रहे, तो जितने पार्टिकल डिसोसिएट हुए डिवाइडेड बाय जितने में से हुए, ठीक है। तो ऊपर क्या आ जाएगा, वन वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, वन। तो ओवरऑल आएगा क्या, एक अल्फा प्लस का एक माइनस का खत्म हो जाएगा, तो बचेगा वन प्लस अल्फा। तो जो आई की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, वन प्लस अल्फा, ठीक है। और हमें अल्फा क्या है, यहाँ पे अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और इसी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो उसके लिए आपको आई की वैल्यू पता होनी चाहिए, और आई की वैल्यू जो होती है, अगर यहाँ पे देखें, क्योंकि हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट्स लिया है, जब इलेक्ट्रोलाइट लिया है तो आई की वैल्यू यहाँ पे किस में आएगी, मोलर मास के रिस्पेक्ट में आएगी, कि जो आपका मोलर मास ओरिजिनल में होता है, ऑब्जर्व होता है वो, और नॉर्मल वाला। तो आई इक्वल क्या होता है, नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व या एबनॉर्मल मोलर मास, ये चीज, ठीक है। तो ये आप क्या करोगे, ये फॉर्मूले में पता करना पड़ेगा। अब आपको नॉर्मल मोलर मास NaCl का पता ही है, NaCl का नॉर्मल मोलर मास कितना होता है, अगर हम कहें नॉर्मल मोलर मास ऑफ NaCl, ठीक है। तो NaCl में Na का कितना होता है, 23.5, या फिर 23 मान लो, इसका कितना होता है, तो ये जब टोटल इसको करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी इतनी, 58.5। तो ये क्या है, नॉर्मल है। अब एबनॉर्मल कैलकुलेट करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए हमें मोलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा, और जब मोलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा तो हमें और क्या क्या पता है, हमें यहाँ पे Kf पता है, हमें यहाँ पे Tf पता है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो अभी हमने इसके जस्ट पहले वाले में अप्लाई किया था, और वो क्या था, किसके किसके रिस्पेक्ट में, डेल्टा Tf के रिस्पेक्ट में देखा था हमने, और वो क्या था, Kf इंटू मोलैलिटी। और यहाँ पे जब मोलर मास का फॉर्मूला निकाला था तो वो क्या आया था, वो आया था Kf इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय क्या आया था, डिवाइडेड बाय डेल्टा Tf और इंटू वेट ऑफ क्या, सॉल्वेंट या सॉल्यूशन, ठीक है। अब इधर हमें वैल्यू क्या क्या पता है, तो मैं इस साइड साफ किए दे रहा हूँ, हमें आई की वैल्यू पता होनी चाहिए, और आई के लिए हमें वैल्यू पता है क्या है, वन प्लस अल्फा है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे फॉर्मूले में हमें पता क्या क्या है, हमें NaCl मतलब ये पता है WB कितना है, 1 ग्राम है, ठीक है। WA कितना है, कितने में डिजॉल्व है, 100 में, तो WA पता है। और क्या चाहिए हमें, डेल्टा Tf कितना है, डेल्टा Tf दिया गया है 0.604 केल्विन। उसके बाद Kf पता है कितना है, वो 1.85। क्या करें, सिंपल सा पुट कर दे फॉर्मूले में, तो मोलर मास इक्वल आएगा Kf की वैल्यू कितनी, 1.85, WB की वैल्यू कितनी, 1 × 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा Tf 0.604 × WA कितना है, 100 ग्राम। ये आपको वैल्यू गिवेन है जो आपने पुट करी हुई है फॉर्मूले में। अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करके निकाल लोगे, कैसे आएगा, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो खत्म। अब बचा क्या, यहाँ पे 3 डेसिमल है और यहाँ पे 2 डेसिमल है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, तो यहाँ बचेगा 85 × 10 डिवाइडेड बाय यहाँ बचेगा 60.4। और जब यहाँ से वैल्यू एक हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो ऐड हो जाएगा, तो ओवरऑल आएगा 8500 डिवाइडेड बाय 604। और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगी 30.63। तो ये क्या आ गया, ये आपका आ गया ऑब्जर्व्ड मोलर मास कितना आ गया, 30.63। तो आई की वैल्यू में कैसे आएगी, नॉर्मल वाला कितना है, 58.5, और एबनॉर्मल या ऑब्जर्व कितना है, 30.63। और जब इनका डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी 1.90, कितनी आएगी, 1.90।
तो ये किसकी वैल्यू आ गई, आई की। और आई के लिए फॉर्मूला अभी हमने निकाला है 1 प्लस अल्फा, ठीक है। तो हमें चाहिए क्या, अल्फा चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा आई माइनस, क्या हो जाएगा, आई माइनस वन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई माइनस वन। तो अब यहाँ पे आई की वैल्यू पुट कर दो, 1 माइनस 90, और 1 माइनस हो जाएगा तो आएगा 0.90। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 0.90 आ गई। यहाँ पे माइनस करेंगे तो 0.909 आएगा, तो ये अल्फा की वैल्यू है, ठीक है। अब परसेंटेज अगर चाहिए, कितना परसेंटेज डिसोसिएट हुआ है, तो परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर चाहिए तो क्या करेंगे आप, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, 100 का, तो 0.909 इंटू हो जाएगा 100, तो ओवरऑल कितना आएगा, ये आएगा 90.9% क्या हो गया है, डिसोसिएट हो गया है उस सॉल्यूशन में, कौन, NaCl, वाटर में जब हमने मिक्स किया किसको, NaCl को, जब हमने 100 ग्राम वाटर में एक ग्राम और या 1 ग्राम NaCl को मिक्स किया तो वो कितना डिसोसिएट हो गया, वो 90.9% उसमें डिसोसिएट हो गया। तो ये है सॉल्यूशन के मैंने जो कुछ चुने हुए न्यूमेरिकल्स हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं और एग्जाम में भी आए हुए हैं कई बार, और भी आप भी अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करिए। अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं हो रहा आपसे तो आप कमेंट सेक्शन में न्यूमेरिकल टाइप कर दीजिए या फिर मुझे मेल कर दीजिए, ठीक है। सो स्टे होम स्टे हेल्दी, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक यू।